शासकीय प्राथमिक विद्यालय से कुछ दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें आज पानी टंकी का प्लेटफार्म गिर जाने से एक बच्चे की हुई मौत, दो बच्चे हुए घायल। टेट्रा थाना क्षेत्र के भोगीपुरा गांव के आंगन की है घटना। मृतक व घायल बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक प्लेटफार्म ढह जाने से हुआ हादसा। परिजनों ने अभिषेक का शव रखकर टेट्रा थाना पर लगाया जाप, जिसकी सूचना मिलते ही सबलगढ़ एसडीएम एसडीओपी सबलगढ़ थाना प्रभारी गुज्जर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने पीएससी अधिकारियों व ठेकेदार पर मामला दर्ज करने की मांग रखी और वरिष्ठ अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। वहीं मुरैना कलेक्ट्रेट अंकित थाना ने मुरैना जिले में समस्त स्कूल एवं आंगनबाड़ी में बने पानी की टंकी की प्लेटफार्म की जांच कराने के लिए निर्देश दिए और घायल सूर्यांश व नृपाल यादव को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। यूं प्रशासन ने ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज करने के दिए निर्देश। पानी की टंकी थी स्कूल में जी खेल रहे थे, उसमें खेलते हुए उस पर गिर पड़ा। पानी की टंकी गिर पड़ी? हाँ, पानी की टंकी इतनी कमजोर थी कि बच्चों में गिर पड़ी। हाँ, सिंगल इंच की थी, उसमें सपोर्ट नहीं थी। सिंगल इंच की थी, सपोर्ट नहीं? हाँ। अच्छा, आपको मालूम पानी की टंकी कंपनी, कुछ आइडिया है? सही मामला है, टेंटा की जानकारी हम लोगों को प्राप्त की। तत्काल हम लोगों ने इसमें ठेकेदार के विरुद्ध एफ आई आर करा दिए थे और उनकी इमीडिएट गिरफ्तारी के निर्देश एस पी साहब को दे दिए हैं। सीएमएचओ साहब से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, एक बच्चे की मृत्यु हुई और उनके साथ ही दो बच्चे जो थोड़ा मामूली रूप से घायल हुए थे, उनको भी उचित चिकित्सीय सुविधा मिल पाए, इस बारे में बात हुई है। मुझे जो डॉक्टर से प्रारंभिक जानकारी मिली है, दोनों बच्चे आउट ऑफ डेंजर हैं, स्टेबल हैं अभी। उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रशासन सुनिश्चित करेगा। जो दिवंगत फैमिली है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो भी शासकीय योजनाओं का हम लाभ दिलवा सकते हैं वो दिलवाने के तत्काल निर्देश अभी एसटी था। विभागीय अधिकारी जो है, जिला शिक्षा अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी, उनको ये निर्देश दिए कि 3 दिन के अंदर सभी ऐसी बनाई हुई, खासकर जो नई टंकियाँ बनी है, उनको भौतिक सत्यापन करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करें। अगर कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।